नमस्कार दोस्तों, फोटो वाला में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे कैमरा मोड की जिसका अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको फोटोग्राफीज में सेटिंग्स करने में हो जाएगी आसानी और आप कर पाएंगे जल्दी से जल्दी शूट। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और जानिए हमारे कैमरे में जो कस्टम मोड है उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे हम सभी जब फ़ोटो निकालते हैं तो उसे मैनुअल मोड में निकालना पसंद करते हैं क्योंकि पूरे सेटिंग्स हमारे हाथ में रहनी चाहिए, हमें जैसा फ़ोटो चाहिए वैसा रिजल्ट है। लेकिन मान लीजिए आप वेडिंग फोटोग्राफर हो और वेडिंग शूट कर रहे हो, तो हमारे भारत के वेडिंग्स में यानी कि इंडियन वेडिंग्स में लोकेशंस हर एक मिनट चेंज होता रहता है। कभी कुछ हॉल के अंदर चलता रहता है, कभी कुछ हॉल के बाहर, या फिर कभी कुछ टेरेस पे चलता रहता है। तो ऐसी सिचुएशंस में हमें फटाफट हमारे कैमरे के सेटिंग्स चेंज करने पड़ते हैं हमारे प्रॉपर एक्सपोजर के लिए। लेकिन इसमें जनरली प्रॉब्लम क्या होता है, मान लो अगर हम हॉल के अंदर शूट कर रहे हैं और अचानक से हमें बाहर जाके शूट करना है आउटडोर में, तो हम बाहर जाते हैं, शटर स्पीड अपर्चर एडजस्ट कर लेते हैं, वाइट बैलेंस चेंज कर लेते हैं, देन एक टेस्ट शॉट निकाल के देखते हैं बराबर आ रहा है कि नहीं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे कैमरे मोड के बारे में बताऊंगा जिसमें आपको एक बटन घुमाना है, अपने आउटडोर के सेटिंग्स उसमें आ जाएंगे, बट दूसरा बटन घुमाया हमारे इंडोर के सेटिंग्स उसमें आ जाएंगे। दोस्तों, हमारे कैमरे में एक डायलर बटन रहता है जिसके ऊपर अलग अलग मैनुअल मोड, ऑटो मोड, अपर्चर प्रायोरिटी मोड, शटर प्रायोरिटी मोड, ऐसे अलग अलग मोड्स रहते हैं उसमें। लेकिन उसमें और एक तीन मोड भी रहते हैं जिसको लिखा रहता है C1, C2, C3। ये क्या होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? तो सी का मतलब होता है कस्टम, यानी कि कस्टम सेटिंग 1, कस्टम सेटिंग 2, कस्टम सेटिंग 3। तो ये मोड्स है हमारे पास तीन अलग अलग सेटिंग सेव करने के लिए। तो ये C1 और C2 काम क्या करते हैं, इनका इस्तेमाल क्या है? तो मान लीजिए मैं हॉल के अंदर एक शादी शूट कर रहा हूँ जिसमें मुझे शटर स्पीड मिल रहा है 1/200, मैं 4 के अपर्चर पे शूट कर रहा हूँ और मैंने वाइट बैलेंस रखा है फ्लैश का। तो ये तीन चीज़ें मैं C1 में सेव करके रखता हूँ। अभी मान लो मैं आउटडोर में शूट कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे शटर स्पीड मिल रहा है 1/400 का, ISO मेरा हो गया है 100 और मैंने वाइट बैलेंस रखा है डे लाइट पर क्योंकि वहाँ पे नेचुरल लाइट है। और ये तीनों सेटिंग्स मैंने सेव कर दी है C2 में, यानी कि कस्टम मोड 2 में। तो जब भी मुझे कभी आउटडोर में जाना है शूट करने के लिए, मैं मेरा डायलर C2 पे घुमाऊंगा, मेरी जो सेटिंग्स रहेगी वो अपने आप वहाँ पे आ जाएगी। तो जब भी कभी मुझे बाहर आउटडोर में शूट करना रहेगा उस सिचुएशन में, वो पर्टिकुलर वेडिंग में, तो मैं उसको डायलर को C2 में रोटेट करूँगा तो मैं बाहर जाके तुरंत फ़ोटो खींच पाऊँगा। मुझे पूरे सारे डायलर घुमाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि शटर स्पीड बढ़ाओ, अपर्चर कम करो, ये करो, वो करो, उसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैंने डायलर घुमाया, मेरी आउटडोर की सेटिंग्स आ गई, मैंने फ़ोटो खींचना चालू कर दिया। वैसे इससे अगर अंदर कुछ तुरंत चालू होता है तो मैंने C1 पे उसका डायलर घुमाया, यानी कि मेरी इंडोर की सेटिंग्स उसमें आ गई, तो मैं तुरंत अंदर जाके फ़ोटो खींचने लग जाऊंगा। वापस से मुझे इंडोर से आउटडोर सेटिंग चेंज करने के लिए शटर स्पीड चेंज करो, अपर्चर चेंज करो, मेन यानी कि वाइट बैलेंस चेंज करो, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, मान लो अगर आप ट्रेडिशनल फोटोग्राफी और कैंडिड फोटोग्राफी दोनों साथ में कर रहे हैं तो ट्रेडिशनल फोटोग्राफी के लिए हम लोग फ्लैशेस वगैरह यूज़ करते हैं और कैंडिड जो रहता है ये पूरा अवेलेबल लाइट पर रहता है। तो अगर मैंने C1 में मेरे ट्रेडिशनल फोटोग्राफी यानी फ्लैश सेटअप के मैंने सेटिंग सेव कर दिए, मुझे C1 का एक मोड मिल गया जो मुझे अगर ट्रेडिशनल शूट करना है तो मैं C1 पे डायलर को डाल दूंगा और मेरा फ्लैश के सेटिंग्स आ जाएंगे पूरे। और उसी टाइम में अगर C2 में मेरे कैंडिड के यानी अगर मैंने एम्बियंट लाइट का एक एवरेज लेके उसके सेटिंग्स रख दिए तो मेरे पास C2 में मेरा कैंडिड का भी सेटिंग्स आ जाएंगे पूरे सेव होके। तो अगर मैं जब ट्रेडिशनल शूट कर रहा हूँ तो मैंने C1 पे डायलर घुमाया, ट्रेडिशनल शूट कर लिया फटाक से, अगर ऐसा मुझे कुछ लग रहा है यहाँ पे कैंडिड मोमेंट हैपन होगा तो मैंने तुरंत C2 में कैंडिड मोड में शूट किया। तो अभी मैं आपको मेरे कैमरे पे दिखाऊंगा यानी कि कैनन 5D Mark III में दिखाऊंगा कि ये कस्टम सेटिंग्स हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे उसको स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस मोड को एक बार ट्राई कर लीजिए। अगर आप ये मोड को अगर इस्तेमाल करना सीख गए तो मान लीजिए आपका काम दुगने स्पीड से हो जाएगा, आपका दिमाग की एक झंझट निकल जाएगी कि अरे शटर स्पीड क्या रखा था उस टाइम और क्या है अभी, वो सब निकल जाएगा। टर्न किया और तो दोस्तों ये मेरा कैनन का 5D Mark III जिसको मैंने लगाया 40mm का लेंस। लेंस मैटर नहीं करता है। आज हम बात करेंगे फ़ोटो के मोड के बारे में। तो ये है हमारा वो डायलर जिसमें मैं बोल रहा था कि C1, C2, C3 यानी कि कस्टम 1, कस्टम 2, कस्टम 3, ये तीनों चीज़ें हैं।
और उसी के साथ हमारे पास है मैनुअल मोड, अपर्चर प्रायोरिटी, शटर प्रायोरिटी और प्रोग्राम मोड। तो आइए देखते हैं कि ये C1, C2, C3 काम कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको हम सेट कैसे करते हैं। तो मैंने जैसे कि कैमरा रखा है पहले मैनुअल मोड पे, और मैंने इंडोर के लिए मान लो शटर स्पीड रखा है 200, अपर्चर रखा है मैंने F4, और ISO को मैं कर देता हूँ 100, और वाइट बैलेंस मैंने कर दिया इसका फ्लैश पे। ये मैं सब आपको एक टेम्पररी सेटिंग्स बता रहा हूँ, मैंने एक्चुअल सेटिंग्स वगैरह देख चेक नहीं की है, लेकिन मान लीजिए ये हमारी सेटिंग्स है। तो अब क्या करेंगे, हम जाएंगे मेन्यू में। मेन्यू में जाने के बाद ये जो हमारा स्पैनर है यानी कि सेटिंग्स का, हम लोग जाते हैं उसमें गए, और इसमें अब हमारे पास तो ये स्पैनर के अंदर एक चौथा ऑप्शन और एक है कस्टम शूटिंग मोड, यानी कि हमारे C1 C2 शूटिंग्स मोड। तो उसमें हम लोग गए अंदर रजिस्टर सेटिंग, यानी कि जो हमने अभी ये जो सेटिंग्स रखे हैं यहाँ पे, ये हमें सेव करने हैं उसमें। अब हमें ऑप्शन बता रहे हैं कि ये सेटिंग्स हमें C1 C2 या C3 किस में सेव करने हैं। तो हम लोग इसको सेव करते हैं C1 में। तो ये हो गए हमारे ऑप्शंस सारे, देख लीजिए 200, 400, ये सेटिंग हमारे C1 में सेट हो गए। तो अभी हम लोग सेट करते हैं हमारे कैमरे के सेटिंग्स आउटडोर्स के लिए। तो मान लो मैंने शटर स्पीड कर दिया मेरा 1/400, मैंने अपर्चर रखा उतना ही, आईएसओ में बढ़ा दिया मैंने थोड़ा सा 200 कर दिया, और वाइट बैलेंस मैंने मेरा कैमरा का चेंज कर दिया डे लाइट पे, ये हो गया हमारा आउटडोर का सेटिंग्स रेडी। मान लो 400 F4, 200 डे लाइट। मैं फिर से गया मेनू में, सेम यहाँ पे स्पैनर में गया, लास्ट ऑप्शन कस्टम शूटिंग मोड, रजिस्टर सेटिंग यानी कि उसको सेव करके रखना है C2, क्योंकि कस्टम वन में हमने इंडोर के सेटिंग सेव करके रखे हैं। तो हम लोग जाएंगे अभी C2 पे, रजिस्टर सेटिंग ओके, ये हो गया हमारा कस्टम मोड 2 सेट। मान लो अभी तीसरा हम कर रहे हैं कैंडिड के लिए। तो कैंडिड के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें बट ऑब्वियस मैक्स शटर स्पीड ज़्यादा चाहिए, डेप्थ का इफेक्ट मिलने के लिए हम लोग करेंगे अपर्चर चेंज, लो लाइट यानी कि अवेलेबल लाइट पे हम लोग मोस्टली शूट करेंगे, तो ISO रखते हैं 800, और मैंने वाइट बैलेंस कर दिया ऑटो पे इसके लिए। तो ये है मेरी सेटिंग्स मान लो कैंडिड के लिए। तो मैं फिर से गया मेन्यू में, कस्टम मोड शूट, रजिस्टर, कस्टम मोड 3 ओके। तो ये हो गए मेरे कैमरे के तीनों मोड सेट। ज़रूरी नहीं है तीनों आपको एक साथ करने, आप एक कर सकते हैं, दो कर सकते हैं, या फिर तीनों कर सकते हैं जैसे मैंने करके देखा। तो अभी ये मेरा कैमरा है मैनुअल मोड में। तो जैसे ही मैं इसको C1 मोड में चेंज करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये मेरे इंडोर के सेटिंग्स आ गए। ये देखिए यहाँ पे लिखा है C1 1/200 400। अभी मुझे आउटडोर में जाना है तुरंत शूट करने के लिए, तो मैंने जस्ट इसको C2 में क्रॉस किया। ये देखो मुझे आउटडोर के सेटिंग्स मिल गए 400 F4 200 और डे लाइट हमारा। और अभी मान लो मुझे कैंडिड शूट करना है, तो मुझे उसके लिए चाहिए डेप्थ ऑफ फील्ड और वो सब मैंने सेटिंग्स करके रखी है। तो मैंने फटाक से गया C3 पे, देखो मेरे कैंडिड की सेटिंग्स आ गए। दोस्तों अगर आपने एक फ़ोटो खींच लिया, मान लो अभी मैंने वापस चलाया C2 पे, और आपने एक फ़ोटो खींच लिया और आपको ऐसा लग रहा है कि अरे इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, थोड़ा अपर्चर ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, शटर स्पीड ज़्यादा चाहिए, तो आप इसमें चेंज कर सकते हो, जैसा चाहिए वैसा आप लोग उसे चेंज कर सकते हो। फ़ोटो खींचने के बाद अगर आप मोड चेंज किया उसका और फिर से C1 पे आ गए, तो वो जो हम लोग ने सेव करके रखा था वही सेटिंग आ गई थी। अगर आपको ये फैसिलिटी नहीं चाहिए, यानी कि मैंने C1 मोड पे रख के जो लास्ट में जो सेटिंग रखा था, अगर उसी सेटिंग पे मुझे शूट करना है,
मेरा रजिस्टर सेटिंग बार बार, मतलब जो मैंने सेव करके रखा है वो बार बार चेंज होता जाए, तो उसके लिए मेन्यू में कस्टम मोड सेटिंग्स में एक दिया है ऑटो अपडेट, तो इसको मैं अगर अनेबल कर देता हूँ तो देखिए C1 में मेरा था 1/200 F400, और मैं अभी इसको उसका शटर स्पीड बढ़ा देता हूँ आपको दिखाने के लिए, 8000 कर दिया, तुरंत मैं C2 पे गया, वापस से 400 हो गया। और अगर ये मेरा ऑटो अपडेट का फंक्शन ऑफ रहता तो ये वापस से जब मैं C1 पे आता हूँ तो वो 200 होना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ पे उसको ऑन करके रखा है, तो आप देख सकते हुए 8000 पे गया। तो ऐसा ये ऑटोमेटिकली C1, C2, C3 जो चाहिए हम चेंज करते जाएंगे तो ये उसमें स्टोर करते जाएगा रिसेंट वैल्यूज़, यानी कि जो रिसेंट उस वो मोड में सेटिंग आपके रहेंगे वो आपको दिखाएगा। अगर आपको, चलो अभी C1, C2 ये हो गया, अगर आपको ये सेटिंग्स क्लियर करने, यानी कि जो हम लोग ने सेटिंग करके रखे इसको आपको डिलीट करना है ये सेटिंग को, तो उसी मोड में जाएंगे हम लोग। इसमें दिखाए जैसे हम लोग सेव करने के लिए रजिस्टर सेटिंग कर दे, वैसे उसको हटाने के लिए करेंगे क्लियर सेटिंग्स, और जिस भी मोड की आपको सेटिंग्स हटानी है उस वो मोड हम लोग सेलेक्ट करेंगे। मान लो मैंने C1 सेलेक्ट कर दिया, क्लियर शूटिंग मोड, यस ओके कर दिया, तो मेरा C1 का अभी सेटिंग्स गया है, C2 का सेटिंग्स गया है, और अभी मेरा C3 का सेटिंग्स गया है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आपके कोई सुझाव या फिर सवाल हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिए, और हाँ लाइक करके जाइए ज़रूर। हाँ दोस्तों, और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।